सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सभी का फिर से स्वागत है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट इज रेट्रोफिटिंग। आप लोगों ने रेट्रोफिटिंग के बारे में बहुत चीज सुना होगा। तो रेट्रोफिटिंग किसी चीज के कंस्ट्रक्शन के बाद उसे मॉडिफाई या रिपेयर करने की टेक्निक है। रेट्रोफिटिंग वर्क में किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेशन के बाद उसके स्ट्रक्चर सिस्टम को चेंज या रिपेयर करना इंक्लूडेड है। इस काम के रिजल्ट में स्ट्रक्चर की सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज होती है। बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग उन घरों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सिस्मिक फोर्सेस के कारण फेलियर और डैमेजेस से अफेक्टेड है। आपके घर के लिए किया गया रेट्रोफिटिंग इसे अर्थक्वेक के कारण होने वाली सिस्मिक एक्टिविटीज के लिए रेजिस्टेंट बनाता है। स्ट्रक्चर्स की रेट्रोफिटिंग का मीनिंग है कि फ्लडिंग या बाकी हैजर्ड्स जैसे विंड प्रेशर और अर्थक्वेक से बचाने के लिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में चेंज करना। डेटेरियोरेटेड स्ट्रक्चरल कॉन्क्रीट एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए RCC स्ट्रक्चरल मेंबर्स की रेट्रोफिटिंग की जाती है। कॉन्क्रीट स्ट्रक्चरल मेंबर्स की स्ट्रेंथ की डिफिशियंसी खराब लेबर वर्क, डिजाइन एरर्स और हार्मफुल एजेंट्स के कारण हो सकती है। रेट्रोफिटिंग का मेन गोल है कि करंट स्ट्रक्चर को स्टेबल करना और उन्हें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाना होता है। अब बात करें कि किस किस के कारण हमको रेट्रोफिटिंग की जरूरत होती है, तो उसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रक्चरल क्रैक्स। कभी भी हम वर्कमैनशिप की बात करें या डिजाइन में एरर की बात करें, उसके कारण हमारे स्ट्रक्चरल क्रैक्स आ जाते हैं। देन डैमेज टू स्ट्रक्चरल मेंबर्स, जो भी हमारे RCC मेंबर्स हैं, कॉलम, बीम, फुटिंग, स्लैब, आप लोगों ने देखा होगा कॉलम और बीम्स वगैरह में हल्के फुल्के क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके कारण भी हमको रेट्रोफिटिंग करना रहता है। अब ये क्रैक्स और इन सब को इम्प्रूव करके क्या होगा, हम और ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं अपने स्ट्रक्चर की। देन एक्सेसिव लोडिंग, सपोज हम लोगों ने फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम लोग डिजाइन करते हैं सब चीज़ें। अब मैंने वहाँ कैपेसिटी करा है सपोज 5 लोगों का और वहाँ पे आ गए 10 लोग, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा वहां पे, एक्सेसिव लोडिंग के कारण। देन एरर्स इन डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, मैंने बताया था डिजाइनिंग में एरर या पुअर वर्कमैनशिप के कारण भी हमको रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ती है। देन मॉडिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल सिस्टम, कभी कभी हमको अपने घरों के एक्सटेंशंस देखते हो आप लोग कि कोई पुराना घर है उसको वापस से हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, तो उसमें हमको रेट्रोफिटिंग की जरूरत पड़ती है। देन सिस्मिक डैमेज, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था। देन कोरोजन ड्यू टू पेनिट्रेशन, हनीकॉम्स, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारे जो भी कॉलम्स होते हैं या बीम होते हैं उसमें हनीकॉम्स अपीयर हो जाते हैं। उसका सबसे पहला रीजन तो यही है कि साइज ऑफ एग्रीगेट्स, वहां पे हमारा वर्कमैनशिप का डिफिशियंसी दिखता है। उसके अलावा हनीकॉम्बिंग्स आपके सेग्रीगेशन के कारण भी आ सकती है। देन आपके डिजाइन के कारण भी हो सकता है कि किसी तरह की कोई डिफिशियंसी दिखे, तो ये सब के कारण हमको रेट्रोफिटिंग की जरूरत होती है। अब रेट्रोफिटिंग करने के बहुत सारे तरीके होंगे, जिसमें से सबसे पहला है एडिंग न्यू शियर वॉल, देन एडिंग स्टील ब्रेसिंग, वॉल थिकनिंग टेक्निक, बेस आइसोलेशन टेक्निक, मास रिडक्शन टेक्निक, जैकेटिंग मेथड, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर FRP, इपॉक्सी इंजेक्शन मेथड और एक्सटर्नल प्लेट बॉन्डिंग। अब इतने सारे मेथड्स में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं जैकेटिंग मेथड। ये बिल्डिंग्स की रेट्रोफिटिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है। एक बिल्डिंग के कॉलम्स और बीम्स को मजबूत करने के लिए जैकेटिंग सबसे पॉपुलर मेथड है। जैकेटिंग में एग्जिस्टिंग कॉलम के चारों ओर लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के साथ एडेड कॉन्क्रीट होता है। जैसे अभी आप यहाँ इमेज पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रैक्स हैं। इन क्रैक्स को और इन बीम्स को मेरे को सपोर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, अलग से उसमें लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स पूरे रीइंफोर्समेंट लगा दिए, देन इसकी कॉन्क्रीटिंग कर दूंगा, तो इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी और ये कॉलम की एक्सियल और शियर स्ट्रेंथ में भी इंप्रूव करता है और फाउंडेशन के मेजर स्ट्रेंथनिंग से बचा सकता है। अमाउंट ऑफ वर्क कम है क्योंकि फाउंडेशन को मजबूत करने की जरूरत नहीं होती और कॉलम की शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यही सर्कुलर कॉलम में कंक्रीट के कन्फाइनमेंट को भी बढ़ाता है। स्टील जैकेटिंग कॉलम के सिग्निफिकेंट वेट को इंक्रीज नहीं करता है और कंस्ट्रक्शन टाइम भी बचता है।
तो इतनी सारी चीजें जो हमने जैकेटिंग मेथड में देखा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर मेथड है आपके रेट्रोफिटिंग का। बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, अगर इसको पूरा सम अप करें तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसमें आरसीसी मेंबर्स या जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है उसमें किसी भी तरह का कोई डैमेज है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, वो रेट्रोफिटिंग की हेल्प से। जिसमें हम जैकेटिंग मेथड में क्या करते हैं, अगर मेरे कॉलम में क्रैक्स है तो उसकी एक्सियल और शियर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसमें रिइंफोर्समेंट का यूज करता हूँ। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलम की जगह पे हम लोग आइस सेक्शंस का भी यूज करते हैं जो कि हॉट रोल्ड सेक्शंस होते हैं। आप लोगों ने उसको जैकिंग के तौर पे देखा होगा कि कभी भी अपन को एक्सटेंशन करना होता है तो हम लोग आई का एक जॉइस्ट लगा देते हैं जिससे एक्सटेंशन पॉसिबल हो जाता है। तो ये एक रेट्रोफिटिंग का मेथड होता है। अगले वीडियो में ना मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम लोग मेंटेनेंस का वर्क कैसे करते हैं और कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और भूलिएगा मत कि अगर आपको किसी भी तरह की सिविल इंजीनियरिंग में करियर से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है या आपकी क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं आप 9111001234 पे, और हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे।